उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती आज मनाई जा रही है। वहीं लखनऊ में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समारोह में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें की है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर भी विस्तृत चर्चा की है और उन्होंने कहा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब जानते हैं कि साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तब स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम योगदान दिया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान देते हुए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का काम किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्षमता को देश की जनता के सामने नहीं आने दिया गया। पिछले 10 वर्षों में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत सम्मान दिलाने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो हकदार रहे हैं। जूनागढ़ की रियासत और निज़ाम रियासत के बारे में सुना होगा, यदि सरदार पटेल को ही जम्मू कश्मीर का भी मामला सौंप दिया गया होता तो धारा 370 का मसला होता ही नहीं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ का परिचय अगर ना दिया होता तो आज हैदराबाद और जूनागढ़ के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता। ४७ में जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो योगदान दिया, भले ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान तत्कालीन सरकारें न दे पाई हो, लेकिन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी, इस एकता दौड़ के माध्यम से पूरे देश के नागरिक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा भूल करके एक साथ राष्ट्रीय एकता के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस एकता दौड़ में शामिल होते हैं। और आज ये विधान भवन से लेकर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक की एकता दौड़ भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबके दृढ़ प्रतिज्ञा का हिस्सा बन सके, इस दृष्टि से हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं।